सकते हैं, आईपीएल आप पूरा खेल रहे, फिर टी20 वर्ल्ड कप खेले वहां पर भी आप फ्लॉप रहे, उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज आई वहां पर भी आप फ्लॉप रहे, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट की पहली पारी वहां पर भी आप फ्लॉप रहे। तो लोगों ने कहा कि यार आप बेटे की जन्म की छुट्टियां मना लो, आप लंदन में पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाओ, आप इंडिया आके डायरेक्टली लंदन से इंडिया आते हो, डायरेक्टली कैंप में हिस्सा लेते हो, फिर से लंदन लौट जाते हो, उससे पहले ना आपको डोमेस्टिक खेलना है ना आपको मैच प्रैक्टिस करनी है, तो भाई ये कैसे चलेगा। लोगों ने कहा कि यार या तो फैमिली फैमिली कर लो या फैमिली के साथ ही पूरा हो जाओ, फिर मत खेलो क्रिकेट, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो, क्यों इस तरह के काम कर रहे हो कि यार आप फैमिली में टाइम बिताते हो फिर यहाँ के परफॉर्म नहीं करते, फिर लोग कंपेयर करने लगते हैं। तो लोगों ने इतनी बातें की ना सोशल मीडिया पे, इतनी ज्यादा ट्रोल विराट कोहली को मिली है कि आप फैमिली टाइम दे दो, लंदन में घूम लो, बेटे का जन्म मना लो, फिर आप यहाँ पे आओ, डायरेक्ट आओ, बिना कोई मैच प्रैक्टिस के आओ, आप सोचते हो बहुत बड़े बल्लेबाज हो तो आप बिना मैच प्रैक्टिस के आप शतक मार दोगे, फिर ऐसा होता नहीं है, फिर वही बुरा मुंह लटका है, फिर से आप लंदन लौट जाओगे। मतलब यही अभी तक विराट का चला ना इस पूरे साल में। अगर आप देखोगे इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले वो लंदन चले गए, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज नहीं खेली, स्किप कर दी, फिर वो आए डायरेक्टली आईपीएल, आईपीएल खेले, फिर से आईपीएल के बाद वो चले गए लंदन, फिर लंदन के बाद फिर से आए, फिर वो आए वर्ल्ड कप खेलने, तो वर्ल्ड कप के लिए नहीं, वर्ल्ड कप से पहले तो लंदन नहीं गए थे मेरे ख्याल से, वर्ल्ड कप और आईपीएल के बीच में जो स्पेस था वहां पे, तो मेरे ख्याल से विराट डायरेक्टली वर्ल्ड कप के साथ टीम में चले गए थे। तो वर्ल्ड कप खेलने जाते हो आप, वर्ल्ड कप के बाद तुरंत आते हो, विक्ट्री परेड में हिस्सा लेते हो, फिर आप लंदन निकल जाते हो, फिर उसके बाद श्रीलंका दौरे पर आपको बुलाया जाता है वनडे सीरीज में, फिर आप वहां पे आते हो डायरेक्टली लंदन से आते हो श्रीलंका खेलते हो, उसके बाद फ्लॉप हो जाते हो, फिर से आप लंदन चले जाते हो, फिर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में आप आते हो, उसमें दलीप ट्रॉफी आपने खेला नहीं, जब आपको बोला आपने खेला नहीं, फिर आप आते हो लंदन से डायरेक्टली चेन्नई लैंड होते हो, फिर आप ये सीरीज खेल के फिर आप लंदन लौट जाओगे। तो भाई ये कब तक चलेगा सिलसिला, लोगों ने इस तरह से बातें करना शुरू कर। खैर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आया ऋषभ पंत। अब कायदे से नंबर 5 पे केएल राहुल को यहाँ पे आना चाहिए था, बट यहाँ पर ऋषभ पंत को भेजा गया। अब इसके पीछे अप्रोच शायद ये थी कि गेंद जो स्विंग कर रही है वहां पे काउंटर अटैक चाहिए, शायद राहुल काउंटर अटैक ना कर पाए, जायसवाल है तो जायसवाल का साथ देने के लिए पंत को भेजा गया। हालांकि कायदे से केएल राहुल डिजर्व करते थे वहां पर आना, बट वो नहीं आए, वहां पर पंत को भेजा गया। डिसीजन अच्छा रहा, बट इससे कहीं ना कहीं पंत का जो राहुल का माफ कीजिएगा जो कॉन्फिडेंस है उसको आप नीचे गिरा रहे हो कि आप हमारे नंबर 5 के बल्लेबाज नहीं हो, आप हमारे नंबर 6 के बल्लेबाज हो, जबकि कायदे से राहुल का बल्लेबाजी नंबर 5 है और पंत का नंबर 6। अब पंत वहां पर खेले, 39 रन बनाए 52 गेंदों में, शानदार पारी थी 6 चौके, बट बहुत ही खराब शॉट खेलकर ऋषभ पंत भी आउट हुए, और वहां पर ऋषभ पंत अगर टिके रहते तो शायद भारत का आज स्कोर जो है वो 400 या 450 आराम से होता, अगर पंत और जायसवाल में से कोई एक बंदा भी टिका रहता। पंत आउट हुए, उसके तुरंत बाद जायसवाल भी आउट हो गए, तो यहाँ पर भारत के गिर गए 6 विकेट, 144 पर भारत 6 हो गया था। इसके बाद लगा यार कि भारत आज ऑल आउट हो जाएगा, अब भारत नहीं टिक पाएगा, 200 या 250 ही मुश्किल से बना ले तो ठीक है। बट उसके बाद जो पारी आई है जड्डू और अश्विन की, दोनों ने काउंटर अटैक किया, दोनों 70+ से स्ट्राइक रेट से खेले पूरी इनिंग में, और भैया तोड़ के रख दिया बांग्लादेश को। नाहिद राणा, हसन महमूद, शाकिब, मेहदी हसन, मिराज, जो गेंदबाज आया सबको तोड़ दिया, तस्कीन को मारा, हसन महमूद को मारा, नाहिद राणा, मेहदी हसन, मिराज, शाकिब, मोमिनुल हक, सबको, मतलब सबकी बखियां उधेड़ दी अश्विन और जडेजा दोनों ने मिलकर। पहले अश्विन ने अपना 50 पूरा किया, फिर जडेजा ने अपना 50 पूरा किया, फिर अश्विन ने अपना शतक पूरा किया और जडेजा भी शतक की तरफ बढ़ रहे। तो इन दी एंड दिन के खत्म होने तक भारत का स्कोर है 339/6। जड्डू जो है 86 रन पर नाबाद है 117 गेंदों में, 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से। और उसके बाद अगर बात करें अश्विन की, तो अश्विन अन्ना तो भैया ग्रेट है, 102 रन 112 गेंदों में 10 चौके 2 छक्के, और अश्विन का जो स्ट्राइक रेट है वो 91 का स्ट्राइक रेट है। मतलब इस स्कोर कार्ड में विराट कोहली का 100 का स्ट्राइक रेट है, बट उनकी सिर्फ 6 बॉल है। तो इस स्कोर कार्ड में देखा जाए ना तो सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट और हाईएस्ट स्कोर के साथ अश्विन इस समय टीम इंडिया के टॉप रन स्कोरर है इस पारी में। तो आप सोचिए अश्विन और जडेजा की पारी कितनी इंपॉर्टेंट है इस टफ सिचुएशन में, जहां पर बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा था, फास्ट बोलर्स लगातार डोमिनेट कर रहे थे, हसन महमूद को 4 विकेट मिल चुके थे, स्विंग करी थी, थोड़ी सी टर्न भी करी थी, बाउंस अच्छा था, उसके बावजूद जडेजा अश्विन ने जो पारी खेली है भाई कमाल पारी खेली है, मतलब हैट्स ऑफ इनको। और ये दोनों जो खिलाड़ी हैं वो पिछले कई मतलब 10 साल तो मैं मिनिमम कहूंगा कि 10 साल से अश्विन और जडेजा की जोड़ी लगातार भारत को बचा रही है गेंदबाजी में भी बल्लेबाजी में भी, और ये दौर अभी चलता रहेगा मेरे ख्याल से अगले 3 साल मुझे लगता है रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा और खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट। तो बहुत
फॉर्चुनेट है, हम बहुत जो है सौभाग्यशाली है कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा दोनों खिलाड़ी हमारे लिए खेलते हैं। जैसे हम बुमराह के लिए फॉर्चुनेट है कि बुमराह हमारे लिए खेलते हैं, वैसे ही जडेजा और अश्विन भी है जो हमें लगता है कि यार ये जो है ना ये लोग वो है कि इनके होते ना हमें बड़ा सेफ महसूस होता है कि यार अश्विन और जडेजा है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप देखोगे तो मैं जडेजा अश्विन की बात कर रहा था और जडेजा अश्विन की पारी की बदौलत ही भारत जो है वो आज इस स्थिति में है कि यार मतलब कमाल कमाल कर दिया भारत ने। और जिस तरह से भारत ने बल्लेबाजी की, जिस तरह से अश्विन और जडेजा की इंटेंट दिखी भाई, मतलब देख के मजा आ गया। कुछ भी कहो देख के मजा आ गया। और जिस तरह से दोनों ने बल्लेबाजी की है, हेड्स ऑफ यार।